शब्द वो भी अपने कहे, सभी सिर्फ दो दो मिनट में अपनी बात कहे। मांगेराम वारी जी, सर्वप्रथम संतों में संत श्रोवणी सतगुरु रविदास जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए और इस बहुजन समाज में जन्मे संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए आज इस चमार रेजिमेंट भालकरों की अध्यक्षता कर रहे संत श्री समंदास जी महाराज, सम्मानित मंच और दूर दराज से आए हुए इस बहुजन समाज रविदास समाज के पूजा के योग बुजुर्गों, माता और बहनों, मैं कम समय में ही अपनी बात रखूंगा। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, निगाहों के स्वप्न दिल से सजाती है। अरे हौसला मत हार गिर करे मुसाफिर, ठोक रही तो इंसान को चलना सिखाती है, ठोक रही तो इंसान को चलना सिखाती है। ये चमार रेजिमेंट की जो बात चल रही है, चमार रेजिमेंट बहाल करो, क्यों बहाल करो? क्योंकि जिस समय इस देश के अंदर चमर वंश का राज हुआ करता था और हमारे योद्धा किसी भी मुसीबत से डटकर मुकाबला करते थे, अंग्रेजों ने 1943 के अंदर चमार रेजिमेंट को बनाया और उसको जापान की जो है फौज के साथ लड़ाया गया। लेकिन चमार रेजिमेंट ने विश्व की सबसे शक्तिशाली फौज के साथ युद्ध करके उसे मुक्ति दिलाई। उसके बाद अंग्रेजों ने एक डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाई और हमारे देश की जो आजाद हिंद फौज थी, जिसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस करते थे, उसके साथ लड़ाने की बात की। लेकिन चमार रेजिमेंट के महापुरुषों ने, चमार रेजिमेंट के मोहनलाल कुरियन ने, चमार रेजिमेंट के उन सैनिकों ने यह संकल्प लिया कि हम अपने देश के मूल निवासियों के साथ कभी युद्ध नहीं करेंगे। हम आपके साथ बगावत करेंगे लेकिन अपने भाइयों के साथ कभी बगावत नहीं करेंगे। तो जो लोग इस बात को कहते हैं, एक कहावत भी है कि जब चमार को वहां भेजा गया उस पर बॉर्डर पे, तो मच्छरदानी लगाकर जो है लौट गया कि जब मच्छर नहीं घुसते। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब जब भी चमार के ऊपर कोई आपदा आई, उसने अपना मान सम्मान स्वाभिमान को कम नहीं होने दिया। भले ही वो भील बन गए, जंगलों में चले गए, अपनी बेटी का डोला किसी को नहीं दिया, अपना मान सम्मान किसी को नहीं दिया। क्योंकि हमारे बीच में संत श्रोमणी रविदास जी महाराज ने कहा था, क्या कहा था कि पराधीन का पाप है, जान ले हुए मीत मैं रविदास पराधीन से कौन कर है प्रीत। ऐसे समाज के भाइयों, आप देखो, आप इस देश के राजा महाराणा थे, लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने आपको गुलाम लाचार बनाया। लेकिन एक बार फिर आपको यह लड़ाई लड़नी होगी। मैं खासकर अपने नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ, ऐ नए मौसम के पंछी, ऐ नए मौसम के पंछी, अब सिमटना छोड़ दे और जोर रखकर बाजुओं में रुख हवा का मोड़ दे। जय गुरुदास। धन्यवाद। मांगेराम लोहारी जी, आपने कागज में सागर करने का काम किया।